टेंथ अभी देखो एकदम इट इज वेरी इजी, ठीक है. व्हाट इट इज 25 एम स्क्वायर इक्वल्स 9. सो एम स्क्वायर इक्वल्स हाउ मच 9/25. कुछ करना ही नहीं है. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इट इज प्लस और माइनस 3/5. दैट्स इट. दिस इज द सॉल्यूशन. समझा? हाँ, लेवल्स भी बहुत इजी है. 7m² = 21m. आपका 7m² = 21m. सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से 7m² - 21m = 0. देयरफॉर इन दोनों में अगर मैंने 7m कॉमन लिया तो क्या बचेगा? m-3. सो देयरफॉर 7m = 0 और m-3 = 0. करेक्ट. देयरफॉर व्हाट? m = 0 और m = 3. खत्म. आपके पास क्या है? m² - 11 = 0. हाँ, सो m² = 11. सो देयरफॉर इफ यू टेक स्क्वायर रूट यू गेट प्लस और माइनस रूट 11. प्लस और माइनस भी तो लेना है ना. मैंने बोला दो आंसर चाहिए आपको, तो फिर प्लस और माइनस आएगा ना. आप क्या कर रहे हो? तो फिर क्यों कट करते हो? ठीक है, क्लियर है. अभी नेक्स्ट जो है, नाउ इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. देखो आपको गिवन क्या है, x² + x - 20 = 0. ठीक है, इतना आपको गिवन था. अब यहां पर जो भी कोफिशियंट ऑफ x है, मतलब जो b का वैल्यू है वो क्या है? 1 है ना. तो वो 1 को आप हाफ से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद होल स्क्वायर करो, कितना आता है? 1 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ हुआ, और हाफ का स्क्वायर कितना हुआ? 1/4. अब ये वैल्यू जो है एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर. कैसे? देखो यहाँ पर, देयरफॉर आई कैन से x² + x जो 1/4 आया ना, यहाँ पर ऐड करना है -20 और सब्ट्रैक्ट करना है = 0. गेटिंग इट? हाँ, तो ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ अगेन, अब ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट है ना, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है. किसका परफेक्ट स्क्वायर है? इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं, आई कैन राइट इट एज x² + 2 × x × ½. ऐसे लिखा तो चलेगा, एनी हाउ सॉल्व करने के बाद x ही आएगा. हाँ, अब क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें. और ये 1/4 को 1/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. हाँ, अब इन दोनों में माइनस को कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा क्या? 20 + 1/4 = 0. हाँ, अब ये देखो a² + 2ab + b² आई कैन राइट दिस एज x + ½ होल स्क्वायर - 4 आपका कॉमन 80 + 1 = 0. समझा? किधर? दोनों में माइनस कॉमन लिया ना बेटा, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो -80 = 20 - 20 - 80 + -0 = -. बराबर. अब ये माइनस अपने कॉमन ले लिया तो अभी देयरफॉर x + ½ होल स्क्वायर - 81/4 = 0. देयरफॉर x + ½ होल स्क्वायर, ये 81/4 उस तरफ गया तो क्या होगा? 81/4, राइट. देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो x + ½ = ±9/2. समझ में आ रहा है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर x + ½ = 9/2 और x + ½ = -9/2. गेटिंग इट? अब ये हाफ इस तरफ गया, सो देयरफॉर x = 9 - 1/2. सो देयरफॉर x = 8/2 which is 4. समझा? और यहां पर भी, और x = ये हाफ उस तरफ जाएगा, -9/2 - ½ which is -10/2 which is equals to -5. समझा? That's it. So, इस तरीके से हमने कौन सा मेथड यूज किया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक है, दिस इज व्हाट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. हमने क्या किया, इसको हमने स्क्वायर बनाया ना, स्क्वायर बनाया फिर स्क्वायर रूट लिया. करना कैसे और एक बार बताता हूं.
ये आपका जो भी वेरिएबल जो भी एक्स है, एक्स के साथ में क्या है, वन है ना, वन को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा हाफ से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर कर देना है। वन को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ आएगा, हाफ का होल स्क्वायर 1/4। अब जो नंबर आया उसे आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। अब जहां पर ऐड किया ना, ये वाला पार्ट जो है पक्का किसी का होल स्क्वायर होगा। ये स्टेप से डायरेक्टली ये स्टेप भी लिखा तो भी चलेगा। जैसे कि x प्लस हाफ, इसका स्क्वायर रूट ले लो हाफ, इसका स्क्वायर रूट ले लो x, x प्लस हाफ होल स्क्वायर, और फिर बाद में इन दोनों में माइनस कॉमन, और ये, लेकिन ये डिटेलिंग लिखोगे तो बेस्ट है। ये एक्स स्क्वायर, एक्स को हम लिख सकते हैं 2ab आया, और यहाँ पर ये बी स्क्वायर, समझा। और फिर क्या 80 + 1 = 81, और उसके बाद नॉर्मल सॉल्विंग। नाउ व्हाट यू हैव, एम स्क्वायर माइनस 5m क्या है आपके पास, एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स माइनस 3, सो देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल 0। तो यहां पर जो नंबर लेना होगा वो कौन सा नंबर होगा, किधर है 1, माइनस 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से, फिर क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है, इसको कितना आएगा, हाउ मच यू विल गेट, हाँ बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5/2 होल स्क्वायर आएगा, एंड माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4। तो यहां पर देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 प्लस 3 माइनस 25/4 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब इन सब में आपका देखो, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये जो है ना इसका स्क्वायर रूट ले लो, 2 इंटू एम इंटू 5/2, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, माइनस 5m आएगा ना, प्लस 5/2 होल स्क्वायर, प्लस 4 इन योर एलसीएम, 4 × 3 = 12, माइनस 25 इज इक्वल्स टू, ओके, सो देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट, एम माइनस 5/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 12 - 25 इज -13/4 इक्वल 0, बराबर। अब ये -13/4 उस तरफ जाएगा, सो देयरफॉर एम माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स 13/4, and now when you take the square root, so m minus 5/2 is equals to what, plus or minus root of 13/2, barabar, samajh mein aa raha hai, ab ye minus 5 by 2 us taraf jayega, therefore m equals 5 by 2 plus or minus root 13/2, that's it, ye aapka answer hai, and therefore finally aap likhoge, therefore m equals 5 + √13/2 और m equals 5 - √13/2। सच क्या है, 9y² - 12y + 2 = 0, बराबर। जो आपका मिडिल टर्म है क्या है, 12 - 12 है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6, और -6 का होल स्क्वायर करो, कितना हुआ 36। तो आपको क्या करना है, 36 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, सो therefore 9y² + -12y + 36 + 2 - 36, बराबर। अब क्या करना है, ये लिखा therefore, इसको हम लिख सकते हैं 3y² हाँ, अब इसको if I write it as 6² अच्छा एक मिनट, ये करने से पहले आपका जो कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर है, पहले आपको 1 कर लेना है, ये वाला मेथड करने में पहले आपको कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पहले अगर इसको 1 करना है सो डिवाइडिंग विथ 9 ऑन बोथ साइड्स,
तो पूरे इक्वेशन को अगर हमने 9 से डिवाइड किया, इसको 9 से डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर बचा, माइनस 12 वाई बाई 9 प्लस 2 बाई 9 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, 3 3s are 3 4s are, सो देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई बाई 3 प्लस 2 बाई 9 इज इक्वल्स टू 0, बराबर। अब यहाँ पर जो कोफिशियंट है दैट इज माइनस 4 बाई 3 एंड यू मल्टीप्लाई दिस विथ हाफ, हाँ, सो ये 2 और ये कैंसिल हुआ, 2 बचा, माइनस 2 बाई 3, फिर इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 4 बाई 9। तो अभी आपको 4 बाई 9 एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, सो वाई स्क्वायर माइनस 4y/3 प्लस 4/9 प्लस 2/9 माइनस 4/9 इज इक्वल्स टू 0, गेटिंग इट। अब इन दोनों में देखो, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट y, इसका स्क्वायर रूट 2/3, इसको सॉल्व करने भी आएगा, ये सॉल्व है आएगा ना, तो प्लस ये अगेन 2/3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। इसका ये किसका स्क्वायर रूट आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया ना, तो y माइनस 2/3 होल स्क्वायर, ये सो ना, इतने पार्ट को y माइनस 2/3 होल स्क्वायर। अब ये माइनस 2/9 उस तरफ गया तो 2/9, समझा, हाँ? समझ जाएगा, ओके। नाउ ये होल स्क्वायर आ गया, सो देयरफॉर y माइनस 2/3 इक्वल्स प्लस और माइनस रूट 2/3। अब ये इस तरफ जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स 2/3 प्लस और माइनस रूट 2/3, सो देयरफॉर y इक्वल्स 2 प्लस रूट 2/3 और y इक्वल्स 2 माइनस रूट 2/3, दैट्स इट, समझा। ऐसा देखो, पहले आपको ये क्वेश्चन गिवन था, अब यहाँ पर y स्क्वायर के साथ में 9 है, तो आपको पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y स्क्वायर अकेला होना चाहिए, y स्क्वायर के साथ कोफिशियंट 1 ही होना चाहिए, तो हमने पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड किया, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 क्या है यहाँ पर, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा, इसके भी डिवीजन में 9 लिखा है, इसके भी डिवीजन में 9 लिखा है, इसके भी डिवीजन में 9 लिखा, तो वो 0 ही हो जाएगा, 0/9 इज 0। अब यहाँ पर कैंसिलेशन क्या, 3 3s are 3 4s are, यहाँ पर कुछ नहीं किया, तो ये एज इट इज लिख दिया। अब आपका कोफिशियंट ऑफ वाई क्या आ गया, माइनस 4/3, जो भी कोफिशियंट ऑफ वाई है उसको क्या करना है, साइड में लेके जाना है, उसको आधा कर देना है और फिर उसको होल स्क्वायर कर देना है, बराबर। तो इसको पहले आधा किया तो हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कैंसिल हुआ, माइनस 2/3 आया, ठीक है, ओके। अब ये माइनस 2/3 आने के बाद इसका होल स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 4/9। अब ये 4/9 क्या करना है, एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, एड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमने ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। अब ये वाला पार्ट लोगे ना, ये वाला, इसका यहाँ पर वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 लिखो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 लिखो, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर, और फिर इसका स्क्वायर रूट अगेन 2/3 होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसका हमने क्या लिखा, a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस 2/9 था, उस तरफ गया तो प्लस 2/9। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2/3 इक्वल्स प्लस और माइनस रूट 2/3, समझ में आ रहा है, हाँ। अब क्या करोगे, दिस माइनस 2/3 विल टेक इट ऑन, यू विल टेक इट ऑन दैट साइड, 2/3 हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 प्लस रूट 2/3 एंड 2 माइनस रूट 2/3, कौन सा, फिफ्थ वाला किया ना आपने। अब चेक करो अभी क्या गलत है, 2y² + 9y + 10 = 0, ये आपके पास है, बराबर। पहला क्या होगा आपका स्टेप, फर्स्ट यू विल मेक द कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर एज 1, सो डिवाइडिंग विथ 2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/2y, ये हो जाएगा 10/2 विच इज 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी आपका जो नंबर जो साइड में आ रहा है वो कौन सा है, 9/2, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो
और फिर इसको होल स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 81/16। इस साइड में ऐसे लिखना है, दिमाग में मत करो, आधा गलत वहीं पर करते हो, ठीक है। सो देयर फोर वाई स्क्वायर प्लस 9/2 वाई प्लस 81/16 प्लस 5 माइनस 81/16 इज इक्वल्स टू 0, बराबर। अब इन सब में देखो, जैसे इसका वाई स्क्वायर लिखा, आपको क्या चाहिए 2ab ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर 2ab, ab क्या होगा, a इसका स्क्वायर रूट और b इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2 और 4 कैंसिल होगा 2, 9/2y, ये 9/2y आ रहा है ना, तो मतलब सब बराबर है। प्लस 9/4 होल स्क्वायर प्लस इसमें 16 आपका LCM, 16 × 5 = 80 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 0। समझा क्या किया यहाँ पर, तो फिर 5 − 81/16 कैसे होगा। नाउ व्हाट यू विल डू, 5 + 9/4 होल स्क्वायर प्लस 80 − 81 इज व्हाट, −1/16 इक्वल 0। या अब ये इस तरफ लेंगे, देयरफॉर वाई प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल्स 1/16। या सो देयरफॉर वाई प्लस 9/4 इक्वल्स प्लस और माइनस 1/4, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड। समझ में आ रहा है अभी, अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है, पहले से ज़्यादा, हाँ हाँ ओके। सो देयरफॉर वाई इक्वल्स, y इक्वल्स क्या होगा, −9/4 प्लस और माइनस 1/4। सो देयरफॉर y इक्वल्स −9 प्लस 1/4 और y इक्वल्स −9 माइनस 1/4। सो फाइनली आपका y क्या हो जाएगा, −9 प्लस 1 इज −8, −8/4 और y इक्वल्स −10/4। सो y इक्वल्स व्हाट, −2 और y इक्वल्स −5/2, एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर है।